वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज श्री बीएच बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 11th बायो एनसीईआरटी के चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। इसकी स्टार्टिंग करते हैं। पहला इसके अंदर टॉपिक है व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है? तो बुक के लैंग्वेज के अलावा अगर हम बात करें लिविंग क्या है, तो हम सिंपली एक ट्रिक से हम बता सकते हैं कि लिविंग वो ऑर्गेनिजम्स है जो क्या बोले, अर्ली मॉर्निंग बोले गुड मॉर्निंग और बोले राम राम सा, उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे। अब इस ट्रिक से हम कैसे बताएं कि पता चले कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग, तो देखना। सबसे फर्स्ट अर्ली मॉर्निंग के अंदर हम बात करते हैं ई की। ई का मतलब लिविंग वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका मतलब जो वेस्ट मटेरियल जो बॉडी के अंदर बनते हैं उसको वो बाहर रिलीज कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग के अंदर एम लेटर का मतलब यहां पर मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेशल फीचर क्या हो गया कि उनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। ये भी एक स्पेशल फीचर हो गया किसका, लिविंग बींग का। नेक्स्ट है जी। जी गुड मॉर्निंग के अंदर ये जो जी है इसका मतलब हुआ, जी का मतलब इनके अंदर होती है ग्रोथ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ग्रोथ होती है, सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं या फिर सेल की साइज इंक्रीज होती है, मास इंक्रीज होता है। ये क्या हो गया, एक स्पेशल फीचर हो गया लिविंग बींग से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है एम का मतलब होता है मेटाबोलिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस की प्रेजेंस एक स्पेशल फीचर हो गया किसका, लिविंग बींग का। नेक्स्ट आता है आर का मतलब रिप्रोडक्शन। जो लिविंग बींग होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, वो अपने सेल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये फीचर हो गया किसका, लिविंग बींग का। नेक्स्ट आता है आर। आर का मतलब हो गया रेस्पिरेशन एंड रेस्पॉन्स। रेस्पिरेशन करते हैं साथ ही साथ जो स्टिमुलाई होते हैं, स्टिमुलस होते हैं, उनसे क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्स शो कर सकते हैं। लाइट है, टेम्परेचर है, ये सारी कंडीशन है उसके लिए वो रेस्पॉन्स शो करते हैं लिविंग बींग। और लास्ट एस, एस का मतलब क्या हो गया, सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो ह्यूमन बींग का एक स्पेशल कैरेक्टर है कि हम क्या रहते हैं, एक पर्टिकुलर थिंग के लिए कॉन्शियस रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है हम डिसाइड कर सकते हैं, हम किसी थिंग्स के लिए किसी वर्क को करने के लिए कॉन्शियस है। तो एक कॉन्शियसनेस है ह्यूमन बींग का, वो एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया लिविंग बींग के लिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लिविंग बींग वो है जिनके अंदर ये सारे कैरेक्टर प्रेजेंट है और नॉन लिविंग वो है जिनके अंदर ये कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है। अब इनमें से कुछ कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग, सबसे फर्स्ट आता है इसके अंदर ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ एक ड्यूल फीचर है। ड्यूल फीचर का मतलब जब भी ग्रोथ होती है तो हम क्या बात करते हैं, या तो मास इंक्रीज हो रहा है, द्रव्यमान इंक्रीज हो रहा है, या फिर हम क्या बता सकते हैं, सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सेल के नंबर अगर इंक्रीज हो रहे हैं, एक से दो तीन चार पांच या दो चार आठ इस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो हम क्या बता सकते हैं कि भाई ग्रोथ हो रही है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया की कल्चर होता है, बैक्टीरियल कल्चर, हम उसको पेट्री डिश के अंदर देख सकते हैं। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जाती है, मल्टीप्लीकेशन होते जाता है, नंबर्स ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है, जिसको आप इजिली माइक्रोस्कोप से क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आप देख के बता सकते हो कि उनका नंबर बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो रही है, उनकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे बैक्टीरिया की एक सेल है, इसने क्या किया, सेल डिवीजन किया। सेल डिवीजन जब हुआ इस बैक्टीरिया की सेल के अंदर, तो क्या बन गई, दो दो बैक्टीरियम या दो डॉटर सेल बन गई। तो क्या एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि इस एक सेल से रिप्रोडक्शन होने से क्या होगी, दो सेल बन गई, या सेल डिवीजन होने से क्या होगी, दो सेल बन गई। क्योंकि जब दो सेल बन रही है तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं कि नई सेल आ रही है, इसलिए एक तरीके से टाइप है रिप्रोडक्शन का, क्योंकि रिप्रोडक्शन के अंदर क्या बनती है, डॉटर सेल्स बनती है। तो बैक्टीरिया एक स्पेशल कंडीशन हो गई जिसके अंदर सेल डिवीजन
और रिप्रोडक्शन दोनों कंबाइन है, सम्मिलित है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, म्यूचुअली म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, इंक्लूसिव इवेंट, क्योंकि दोनों इवेंट एक साथ इंक्लूसिव हो रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। सेल डिवीजन वही बात, रिप्रोडक्शन भी वही बात, इसलिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया के लिए कंडीशन हो गई म्यूचुअली इंक्लूसिव। मल्टी सेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर हम बात करें प्लांट्स की और एनिमल्स की। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ स्पान चलता रहता है, जब तक डेथ नहीं हो जाती, एनुअल प्लांट हो, बायएनुअल हो या फिर पेरेनियल, कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पान कंटिन्यूसली जैसे ग्रोथ होती जाती है सेल डिवीजन होता जाता है। एनिमल्स के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम फेज के बाद में ग्रोथ रुक जाती है, हालांकि बॉडी के अंदर जब कई सेल की डेथ हो जाती है तो वो डेथ होने के बाद में भी उनके अंदर क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, वो सेल डिवाइड हो जाती है। घाव को भरने के लिए भी सेल क्या करती है, डिवाइडेशन करती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इस तरीके से मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हुआ कि सेल डिवीजन एक अलग फिनोमिनन है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन एक अलग फिनोमिनन है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो सेल डिवीजन करी है उसके अंदर क्या हो रहा हो, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने वाली अलग सेल हो गई और सेल डिवीजन करने वाली सेल अलग हो गई। रिप्रोडक्शन करने वाली सेल गेमेट्स का फॉर्मेशन करेगी और ये सेल डिवीजन करने वाली सेल सोमेटिक सेल भी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन क्या हो गई, अलग अलग हो गई। इस तरीके से सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के लिए चूंकि अलग प्रोसेस है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोल दिया अपने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये दो टर्म आपको इजीली समझ में आई। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक इवेंट की। देखो आप ये बता सकते हो कि जैसे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन होने के बाद में ग्रोथ होती जा रही है और ये ग्रोथ क्या हो रही है, इरिवर्सिबल है, ठीक है, ये वापस से प्राइमरी स्टेज में नहीं जा सकती। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कंटिन्यूसली जब ग्रोथ हो रही है वो बॉडी के इनसाइड हो रही है, बॉडी के अंदर होती जा रही है, सेल मल्टीप्लीकेशन कर रही है, ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक इवेंट बोलते हैं, जो अंदर हो रहा है। एक्सट्रिंसिक इवेंट किसके अंदर होता है, नॉन लिविंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे माउंटेन है बर्फ का, उसके ऊपर कंटिन्यूस स्नो गिरती जा रही है, क्रिस्टल गिरते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे उसकी क्या होती जा रही है, साइज बढ़ती जा रही है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखो उसकी भी ग्रोथ हो रही है और वो है नॉन लिविंग, ठीक है। उसी तरीके से हम बता सकते हैं जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर के ऊपर क्या गिरती जा रही है, ये पाउडर, चौक पाउडर गिरता जा रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका मास बढ़ता जाएगा, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसकी भी ग्रोथ हो रही है। तो इससे ये क्लियर हो पा रहा है कि ये तो दिमाग में आया कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक इवेंट के बेसिस पे नॉन लिविंग और लिविंग को हम इजिली डिफ्रेंशिएट या डिफाइनिंग नहीं कर पा रहे, तो ऐसे और क्या फीचर है कि हम बता पाएंगे ये लिविंग है या नॉन लिविंग। तो हम नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, वो है रिप्रोडक्शन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।